हमारा सेकंड टॉपिक था क्लोथिंग एंड द नोशंस ऑफ ब्यूटी। अब हमारा अगला टॉपिक है वो है न्यू टाइम्स। ये नई वैल्यूज क्या थी, किसकी वजह से इतना ज्यादा प्रेशर पड़ा कि बदलाव करना पड़ गया। बहुत सारे ऐसे चेंजेस जो है वो पॉसिबल हो पाए क्योंकि ब्रिटेन की वजह से। ब्रिटेन ने क्या था, इंट्रोड्यूस कर दिया था नए नए मटेरियल्स को, नई नई टेक्नोलॉजीज को। कुछ और चेंजेस जो आए वो इस वजह से आए क्योंकि दो वर्ल्ड वॉर हो गए थे और अब वर्किंग कंडीशंस जो वुमेन के लिए थी वो बिल्कुल नई हो गई थी। तो हमें देखना पड़ेगा कि अगर ये चेंजेस जो हुए ये कैसे हुए, इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ते हैं। 17वीं सेंचुरी से पहले ज्यादातर जो साधारण वुमेन थी ब्रिटेन के अंदर, उनके पास बहुत कम कपड़े होते थे जो फ्लैक्स, लिनन या वूल से बने होते थे और जिनको धोना या साफ करना इतना आसान नहीं होता था। 1600 के बाद जब ट्रेडिंग होने लग गई इंडिया से, तो जो है सस्ता, अच्छा और आसानी से मेंटेन किए जाने वाला जो इंडियन चिन्ह थे, उनको जो है आप बहुत सारे यूरोपियंस पहन सकते थे और इसकी वजह से उनके जो वार्डरोब थे उनमें कपड़ों का जो गिनती थी वो बढ़ती चली जा रही थी। फिर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ जब 19वीं सेंचुरी में, तो अब ब्रिटेन ने क्या किया, जो कॉटन टेक्सटाइल्स थी उनका एक बहुत मास क्वांटिटी में जो है मैन्युफैक्चर करना शुरू कर दिया और फिर इसको जो है दुनिया के अलग अलग हिस्सों में एक्सपोर्ट किया जा रहा था, इंडिया में भी। कॉटन क्लोथ जो है वो ज्यादा आसानी से अवेलेबल हो रहे थे जो ज्यादा से ज्यादा लोग थे यूरोप के अंदर उनके पास। तो जो शुरुआत हुई 20वीं सेंचुरी की, उसमें जो आर्टिफिशियल फाइबर से जो कपड़े बने हुए होते थे ये कहीं ज्यादा सस्ते होते थे और इनको मेंटेन करना, वॉश करना बहुत आसान होता था। लेट 1870s में जो बहुत भारी, बहुत ही ज्यादा तो जैसे कहना चाहिए रोक लगाने वाले जो कपड़े पहनने पड़ते थे, जिसकी वजह से जो विमेन मैगजीन्स थी उसमें पेजेस भर दिए गए थे कि हमें ये ड्रेसेस नहीं पहननी, अब उनको पूरी तरह से नकारा जाना शुरू हो गया था। कपड़े हल्के होने लग गए थे, छोटे होने लग गए थे और बिल्कुल सिंपल होने लग गए थे। तब भी 1940 तक जो क्लोथ्स थे अभी उनकी जो लेंथ होती थी वो एड़ी तक होती थी, जैसा 13वीं सेंचुरी से चला आ रहा था। लेकिन 1915 तक आते आते अब ये जो एक मोड़ होता है, एक जो कहते हैं ना जो हम नीचे से किनारी मोड़ देते हैं किसी भी ड्रेस की, तो ऐसे ही जो स्कर्ट की किनारी थी अब वो जो है मिड काफ तक आ गई थी, उसको जो है थोड़ा छोटा कर दिया गया था। लेकिन ये चेंज एकदम से हुआ कैसे, ये जो चेंज आया है वुमेन की क्लोथिंग में ये नतीजा था जो दो वर्ल्ड वॉर हुए उसकी वजह से। बहुत सारी यूरोपियन वुमेन जो है उन्होंने ज्वेलरी पहनना, जो महंगे कपड़े होते हैं उनको पहनना छोड़ दिया था। अब तो क्या हुआ, जो अपर क्लास थी अब वो जो और बाकी क्लासेस थी उनके साथ मिक्स होने लग गई, तो जो सोशल बैरियर होते हैं, सामाजिक एक जो रोक होती है वो जो है धीरे धीरे खत्म होने लग गई और जो वुमेन थी अब वो एक तरह से एक जैसी दिखने लग गई थी। ये जो क्लोथ थे ये छोटे हुए फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान, क्योंकि उस समय बहुत ज्यादा इसकी जरूरत पड़ रही थी। 1917 में लगभग 700,000 वुमेन जो है ब्रिटेन के अंदर जो एम्यूनिशन यानी जो हथियार वाली जो फैक्ट्रीज होती है वहां पर काम कर रही थी। अब उनको जो है एक यूनिफॉर्म पहननी पड़ती थी जिसमें एक टॉप होता था और पैंट्स होती थी और साथ में जो कुछ और चीजें होती थी उसमें स्कार्फ होते थे, जो बाद में रिप्लेस करके ओवरऑल की तरह यानी जो कवर ऑल होते हैं कि एक पूरा का पूरा खाकी का कवर ऑल बना दिया गया और कैप, बस सिर्फ ये ड्रेस पहननी होती थी। जो ब्राइट कलर्स होते थे अब वो जो है हट गए थे और सोबर कलर्स जो है वो आ गए थे क्योंकि वॉर चल रहा था। क्लोथ्स जो है बहुत प्लेन बनने लग गए, बहुत सिंपल बनने लग गए, स्कर्ट्स जो है वो थोड़ी सी छोटी कर दी गई। फिर बाद में जो पैंट्स होती है यानी जो ट्राउजर्स होते हैं वो वेस्टर्न जो वुमेन क्लोथिंग थी उसका एक मुख्य हिस्सा बन गए, उससे उनको काफी ज्यादा आजादी मिलती थी चलने फिरने की। इसके अलावा वुमेन ने जो है अपने हेयर्स जो थे उनको भी शॉर्ट करना शुरू कर दिया आसानी या सुविधा के लिए। 20वीं सेंचुरी तक आते आते एक बहुत ही प्लेन और सादगी पसंद वाला जो स्टाइल था अब उस काम की सीरियसनेस और प्रोफेशनलिज्म को दर्शाता था। जो नए स्कूल बन रहे थे बच्चों के लिए उसमें जोर दिया जा रहा था कि बिल्कुल सिंपल तरीके से प्लेन ड्रेसअप होके आएंगे, कोई जो है आप ज्वेलरी या ऑर्नामेंटेशन तैयार सज धज के आने की जरूरत नहीं है। जिमनास्ट होते हैं और जो गेम्स होते हैं अब विमेन के जो एक कोर्स होता था उसमें इनको भी जगह मिलने लग गई। अब जैसे जैसे विमेन्स ने जो स्पोर्ट्स में हिस्सा लेना शुरू कर दिया तो उनको ऐसे कपड़े पहनने पड़े जिसमें जो है उनका जो मूवमेंट है उसको रोक ना लग पाए। जब वो काम पर जाती थी तो उनको ऐसे कपड़े चाहिए जो काफी कंफर्टेबल हो और उनके सुविधाजनक हो। तो हमने ये देखा
ये जो क्लोथिंग थी हिस्ट्री की, जो भी क्लोथिंग हिस्ट्री रही है, ये एक बहुत बड़ी जो सोसाइटी की हिस्ट्री थी उससे काफी हद तक रिलेटेड है। पहले क्या देखा कि क्लोथिंग जो थी वो एक कल्चरल जो एटीट्यूड होता है, एक बिहेवियर होता है, कैसे नियम बनाए गए हैं ब्यूटी में कि आप किस तरह से सुंदर लगेंगी, उसके ऊपर बेस्ड थी। लेकिन धीरे धीरे ये जो विचार थे ये समय के साथ बदलते चले गए। हमने ये भी देखा कि जो लोग ये बदलाव चाहते थे यानी जो रिफॉर्मर्स थे, और वो लोग जो बुरी तरह से इसके अगेंस्ट थे यानी जो कंजर्वेटिव्स थे, उन्होंने भी जो है काफी हद तक संघर्ष किया ताकि अपने इन विचारों को एक शक्ल दी जा सके। फिर जैसे जैसे टेक्नोलॉजी जो है वो बदली, आर्थिक स्थिति बदली, और जो नए जमाने का लोगों का प्रेशर पड़ा उससे जो है एक जरूरत महसूस की जाने लग गई कि हाँ बदलाव की जरूरत है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ट्रांसफॉर्मेशंस इन कॉलोनियल इंडिया, वो आप देखेंगे अगले वीडियो में।